close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we. So hello everyone, welcome back to a new video. आज की वीडियो बहुत बढ़िया होने वाली है यार. आज हम, जैसे आपको पता ही है, होटल मैनेजमेंट की अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो होटल मैनेजमेंट की स्टडी में 6 मंथ्स की इंटर्नशिप लगती है. तो हमारे कुछ फ्रेंड्स की इंटर्नशिप लगी होगी एंड आज उनकी छुट्टी है, तो हम उनसे मिलने जा रहे हैं आज बहुत देर बाद. एंड एक बहुत ही बढ़िया कैफ़े में जा रहे हैं. 0 डिग्री का आपने नाम सुना होगा. साथ के साथ मैं आपको अपने फ्रेंड से भी मिलाता हूँ एंड साथ के साथ आपको 0 डिग्री का आज रिव्यू भी देंगे. तो मेरे साथ देख लो कौन कौन जा रहा है. हेलो, अमृतेश, जय एंड अनुज एंड 3-4 दोस्त और हैं जो 0 डिग्री आ गए. सीपी में सीधा मिलेंगे. तो पहले चलते हैं मेट्रो स्टेशन पे, मेट्रो पकड़ के राजीव चौक चलते हैं. अप्रैल में मिले थे, एक साल है ये ना, इसको थोड़ा वो भूलने की बीमारी है, इसलिए थोड़ा सा प्लीज मैनेज कर ले आप लोग. हैशटैग वन लाइक इज इक्वल टू वन प्रे फॉर अनुज. देखे इस भोले भाले से शक्ल को, यही है. ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं. हाँ जी, बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं जय के हिसाब से, और सच में हम लेट हो चुके हैं. 0 डिग्री, ऑटो पकड़ो पहले. ऑटो पकड़ के सीधा 0 डिग्री. तो 0 डिग्री में डायरेक्ट जाके मैं, भैया भैया रुक ही नहीं रहे यार, क्या करे भैया. यहाँ भी भैया नहीं रुक रहे. गजब बेइज्जती है, बेइज्जती कर रहे हैं यार, क्या ही करें अब हम. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम 0 डिग्री पहुंच गए हैं एंड वहाँ मेरे फ्रेंड्स खड़े हैं सारे. एंड अगर आपको 0 डिग्री की लोकेशन का लिंक चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा. एंड अभी मैं मिलवाता हूँ आपको अपने फ्रेंड्स से, सभी फ्रेंड्स से. तो ये है मेरे सारे फ्रेंड्स. रूपम को भी बहुत देर बाद मिल रहा हूँ, ये तो आपको पता ही है. दशनीत, अलीशा हाय कह दो. ये तो पता ही है, शिव्या एंड ये JBM व्लॉग्स, लिंक इन डिस्क्रिप्शन. तो 0 डिग्री पहुंच गए हैं, तो चलते हैं 0 डिग्री के अंदर एंड देखते हैं अभी एम्बियंस कैसा है, माहौल कैसा है एंड फिर देखते हैं अभी खाना कैसा है.
turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands. भाई अंदर कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि वहाँ पे कॉपीराइट वाले गाने चल रहे थे, तो मैंने सिर्फ क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं। बाकी रिव्यू मैं आपको अभी दे देता हूँ। खाना बहुत ज़्यादा बढ़िया था। मेरा जो बेस्ट पार्ट लगा मुझे, एक तो फ्राइज़ एंड वो था पिज्ज़ा, हाँ बटर चिकन पिज्ज़ा बहुत बढ़िया था। बाकी सबसे जान लेते उनको क्या क्या अच्छा लगा। मेरे को धोखा दिया इन लोगों ने, और चॉकलेट और चॉकलेट बटर चिकन पिज्ज़ा, हाँ बटर चिकन बढ़िया था, बटर चिकन बहुत अच्छा था, बटर चिकन पिज्ज़ा। आपको सर, ओए इधर आ ब्लॉगर, इधर आ, तेरे को क्या अच्छा लगा, तेरे को क्या अच्छा लगा भाई। बेस्ट लगा एंड पिज्ज़ा सबसे बेस्ट लगा मेरे को तो। मेरा तो यार वाइट सॉस पास्ता, लुइसियाना पास्ता एंड पिज्ज़ा। हाँ ब्लैक करंट शेक बहुत बढ़िया था, ब्लैक करंट शेक भी बहुत बढ़िया था। ओवरऑल आप यहाँ पे आ सकते हैं, शेक पिया उन्होंने, शेक यहाँ पे आप आ सकते हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। प्राइसेस भी बिल्कुल नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है, कम भी नहीं है, पर नॉर्मल है प्राइसेस। इस प्राइस पे इतना अच्छा खाना खाना बहुत ही, मतलब यार मज़ा आ गया यहाँ पे आके, एंड फ्रेंड्स से मिले, खाना खाया। अभी बाकी सारे तो यही रुकेंगे, पर मैं और जय जा रहे हैं वैनम मूवी देखने। अगर आपने वैनम मूवी का रिव्यू देखना है तो आप जय के चैनल का जो वो है डिस्क्रिप्शन में है लिंक, तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी यार जीरो डिग्री आइए, खाना एंजॉय करिए, मज़ा आएगा। तो अभी चलते हैं मूवी देखने। तो अभी हम बैठे हैं मेट्रो स्टेशन पे एंड मेट्रो का वेट कर रहे हैं, जो कि बस आने वाली है। तो मैं आपको बता देता हूँ हमने क्या क्या खाया। सब ने अलग अलग तरह का शेक पिया, जिसमें से बेस्ट था बटर स्कॉच एंड ब्लैक करंट। चॉकलेट शेक मैंने टेस्ट नहीं किया। एंड दो मोइतोज़ आए थे, जिसमें से एक था रास्पबेरी लेमनेड एंड पैशन फ्रूट, दोनों ही बढ़िया थे। दो तरह के पिज्ज़ा आए थे, एक ज़ीरो चिकन डिलाइट एंड दूसरा था बटर चिकन पिज्ज़ा, दोनों ही बढ़िया थे। पर दोनों बढ़िया थे, बट उनमें से जो बेटर था वो था बटर चिकन पिज्ज़ा, वेरी गुड। एंड दो तरह के फ्राइज़ थे, पेरी पेरी फ्राइज़ एंड चिकन फ्राइज़, पेरी नहीं चिली चिकन फ्राइज़, पेरी पेरी चिकन फ्राइज़ एंड चिली चिकन फ्राइज़, वो भी बहुत बढ़िया थे। एंड एक अराबियाता वेज पास्ता था, एक था लुइसियाना नॉन वेज पास्ता, एक रेड सॉस में था, एक वाइट सॉस में था, दोनों वो भी काफ़ी बढ़िया थे। बट वाइट सॉस वाला ज़्यादा बेटर था मेरे को, क्योंकि आई एम अ वाइट सॉस पास्ता पर्सन, तो मेरे को तो ऑलवेज़ प्रेफरेंस मेरी वाइट सॉस पास्ता ही रहती है। एंड बाकी सभी को खाना काफ़ी बढ़िया लगा। एंड यार अगर तुम फ्रेंड्स इकट्ठे आते हो ना एंड कंट्रीब्यूट करते हो पैसे, तो कोई ज़्यादा पैसे नहीं, 300-400 रुपये में आप इतना ज़्यादा खा लोगे कि आपकी चलने लायक हालत नहीं रहेगी। खाना बहुत बढ़िया, क्वांटिटी भी रेट के हिसाब से सही है, एंड मतलब मेट्रो हमारी आ गई है एंड खाना बहुत बढ़िया था। अभी मूवी देखने जा रहे हैं एंड वैनम देखने जा रहे हैं हम, वैनम फर्स्ट डे, फर्स्ट शो तो नहीं बट चलो जो भी है। आपको मैं भी थोड़ा सा बताऊँगा मूवी का रिव्यू, बाकी पूरा रिव्यू आपको जय के चैनल पर मिल ही जाएगा। तो चलते हैं मूवी थिएटर की तरफ। तो मॉल में हम पहुंच गए हैं एंड हम मूवी देख रहे हैं आईनॉक्स पे। टिकट हमारी ऑलरेडी बुक्ड है एंड बस वो 4 फ्लोर चढ़ के ऊपर जाना है अब तो। हमें ऑलरेडी 2 मिनट लेट हैं, 2-3 मिनट हमें ऊपर चढ़ने में भी लग जाएंगे। तो
चलते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। एंट्री वेंट्री लेते हैं, सिक्योरिटी चेक करवाते हैं, फिर चलते हैं ऊपर। थक गए हैं, बहुत दूर से मूवी देखने आए हैं क्योंकि हाउस फुल था हर जगह एंड बहुत मुश्किल से टिकट मिली है। ये भी है अभी मार्वल की फर्स्ट डे मूवी देखनी है, नहीं तो ना पहली तो हमारी प्रायोरिटी रहती है कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखें एंड बट इस बार वो नहीं हो पाया क्योंकि बीइंग मार्वल फैंस फर्स्ट डे फर्स्ट शो इज़ लाइक ऑसम थिंग फॉर अस। तो देखते हैं, फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं मिला, फर्स्ट डे फर्स्ट शो इसलिए क्योंकि थोड़ा सा भी स्पॉयलर मिल जाता है ना सारी मूवी स्पॉयल हो जाती है। बट जो भी है अभी देखने जा रहे हैं मूवी एंड बस पहुँचने वाले हैं, एक फ्लोर और रह गया, चलिए चलते हैं। मतलब मूवी हमने देख ली है एंड घर जाने का भी मन भी नहीं है। मूवी का अगर रिव्यू देखना है तो जय के चैनल पे है, जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्योंकि वो कल ही वीडियो डाल चुका है, मैं एक दिन लेट डालूंगा। एंड अभी हमें ना मतलब क्या है कि बॉलिंग करने आए हैं, हम बॉलिंग दिख गई यहाँ पे मॉल में, तो बॉलिंग करेंगे आपको दिखाते हैं, मज़ा आने वाला है यार बॉलिंग किए हुए। मेरे को पता नहीं कितने ही साल हो गए, 3-4 साल हो गए बॉलिंग किए, 8 महीने हो गए आराम से, बहुत देर होगी बॉलिंग करते हैं आज। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि मतलब इधर तो छोटा बॉलिंग एले है, वैसे बड़े मैंने जब लास्ट टाइम बॉलिंग की थी तो बड़ा बॉलिंग एले था, बट यार चलता है, करनी तो बॉलिंग ही है, कहाँ मर्जी कर लो भाई। मैं पहले कह रहा हूँ मैं बॉलिंग का प्रोफेशनल नहीं हूँ, जैसे शॉट्स आए जैसा शॉट लगे सह लेना, ठीक है, प्रोफेशनल हम दोनों ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग के लिए खेलना तो खेलते हैं, नहीं तो वो नहीं है, अभी प्लेयर हैं हम बॉलिंग के, ठीक है, जैसे शॉट्स आए देख लो बस भाई। सो फार मैं ही जीत रहा हूँ, चाहे हमें खेलना नहीं आता फिर भी नहीं, हाँ जो भी है, मेरे 5 पॉइंट है, इसके 4 हैं। चल भाई तेरी बारी भाई, साइड में जाए हमें खेलना मिलना नहीं आता, 3-3, 4-4 पता नहीं कितने सालों ही हो गए। ओह कितनी, हाउ मैनी भाई, 4-4 की ला दी लोंडे ने। सिक्स है, सेवन है, सेवन, तीन और, चार और है, अरे रे रे, थोड़ा सा मिस, थोड़ा सा, मैं फिर भी लीड में हूँ मैं, कोई नहीं। वेरी हैक्टिक येट वंडरफुल डे, हम आ गए हैं घर वापस एंड यार आज का दिन बहुत बढ़िया रहा, 6 महीने बाद रूपम एंड अलीशा से मिले हैं, तो यार मतलब दिल को सुकून सा मिला क्योंकि यार 6 महीने से मतलब लॉकडाउन जब सेकेंड वेव आई थी उसके बाद से अलीशा एंड रूपम को मिले नहीं क्योंकि उनकी इंटर्नशिप बीच में शुरू हो गई थी, दशनीत शिव हम सारे तो मिलते ही रहते हैं कॉलेज में बट उनकी इंटर्नशिप थी तो उनके उनसे नहीं मिल पाए, तो बहुत ही बढ़िया लगा यार उनसे मिलके, इट वाज़ दी बेस्ट फीलिंग एंड आई होप आगे भी ऐसे मिलते रहे, आगे हमारी इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी फिर 6 महीने के लिए, मैं और अनुज गोवा चले जाएंगे, जय उदयपुर चला जाएगा, दशनीत की भी इंटर्नशिप हो जाएगी तो फिर भी नहीं मिल पाएंगे। सो एग्ज़ाम से पहले आई होप एक बार और मिले तो एक बार और व्लॉग बनाएंगे ऐसा ही बढ़िया सा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो गिव इट अ लाइक, कमेंट डाउन बिलो कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था, सब्सक्राइब टू माय चैनल, फॉलो करें इंस्टाग्राम को, मेरे भी और मेरे फ्रेंड्स के भी, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो, सो बाय बाय फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।